बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में और उनका कहना है कि पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन पदयात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25-30 वर्ष में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 वर्ष में। वो फिर बिहार के जब तक सर जमीन पर कोई लोग रहेगा तब न बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। वो आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जहाँ पे बिहार पहले खड़ा था वहीं पे अभी भी खड़ा हुआ। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दें। भाई आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहां से आ रहा है ये धन? कहां से आ रहा है? कहां है CBI? कहां है ED? तो ये स्रोत जहां से है उसी के नियंत्रण में है CBI ED, और वो भी हमको जरा पता लगा लीजिए आप लोग। जो फुल पेज का कवर पेज का जो विज्ञापन दिया गया है अखबारों को, उसका भुगतान नगद राशि में किया गया है। किसी ने हमको बताया, समाचार पत्रों वाले में से ही किसी ने बताया कि वो नगद भुगतान किया गया। कहाँ से नगद पैसा इतना आ रहा है? तो ये CBI और ED खाली तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू जी के लिए है और विपक्षी नेताओं के लिए है, इसलिए ये सब छोड़ दीजिए। वो जहाँ घूमना चाहे पूरा घूम ले, कोई परेशानी बिहार में नहीं। पता नहीं, अमित शाह जी जा रहे हैं तो वो भी, हमने कहा कि किसी को कहीं आने में थोड़ी रोक है, कहाँ आने में रोक। लेकिन जयप्रकाश जी के जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गांव जहाँ सिताब दियारा में वो जा रहे हैं, सिताब दियारा में जो भी काम हुआ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। हम जल संसाधन विभाग देख रहे थे, जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहाँ हम लोगों ने गंगा के कटाव का पूरा काम करवाया था, और वो भी जरा वो आ रहे हैं गृह मंत्री जी, तो वो भी देखे ना सिताब दियारा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसका कुछ भूभाग पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो वो भी जरा जाके देखें वो, और बिहार के हिस्से का भी काम जाके देखें। तो इसलिए उस सब कोई बात नहीं है, किसी को कहीं घूमने का अधिकार है, घूमते रहे। आप लोग नागालैंड में उस दिन मनाने जा रहे हैं? नागालैंड में जब नागालैंड अशांत था और नागालैंड में जब बहुत मुश्किल का दौर से नागालैंड गुजर रहा था, तो उस समय वहाँ जयप्रकाश नारायण जी गए थे और 64 में वो गए, 6 महीने के अंदर वहाँ के नागा के जो नागा समुदाय के जो गुरिल्ला वार के विद्रोही लोग थे और जो अलग अलग संगठनों से उन्होंने बात किया, और 6 महीने के अंदर वहाँ सीज फायर युद्ध विराम की घोषणा हुई 64 के सितंबर महीने। तो इसलिए, और उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वहाँ 3 वर्षों तक लगातार वहाँ रह गए नागालैंड, और नागालैंड के सुदूर इलाके के गांव का दौरा उन्होंने किया। तो इसलिए आज नागालैंड में जयप्रकाश जी की बहुत ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि आप एक मायने में कहें तो हर घर में
नागालैंड में उनकी पूजा होती है, तो इसलिए वहाँ के लोग जेपी की जयंती मना रहे हैं 11 तारीख को, हम लोग वहाँ जाएंगे।